मैं साथी राज्यों का मिनिस्टर्स ऑल ऑफिसर्स सबको मैं नमस्कार करता हूँ। मंत्री महोदय, पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ आयुष डिपार्टमेंट को इस देश के अंदर स्ट्रेंथन करने के लिए जो नया इनिशिएटिव लिया है वो सही टाइम पे सही डिसीजन लिया है। मैं समझता हूँ कोविड के अंदर सभी राज्यों में जो आयुर्वेदा यूनानी एंड होम्योपैथी जो हॉस्पिटल्स है इसके अंदर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को रखे ट्रीटमेंट भी कर रहा है। यहाँ हमारा तेलंगाना का राज्य के अंदर 224 आयुर्वेदा डिस्पेंसरीज, 122 यूनानी डिस्पेंसरीज एंड होम्यो में 94 डिस्पेंसरीज है। इसके बाद जो NRHM में आयुर्वेदा यूनानी एंड होम्योपैथी में भी काफ़ी हमारे पास जो डिस्पेंस चल रहा है। आप जानते हैं तेलंगाना राज्य के अंदर जो हेल्थ सिस्टम बहुत एडवांस सिस्टम रहता है। अभी हमारा रूरल एरिया में जो PHC है वो PHC के अंदर मिनिमम फैसिलिटीज के अलावा थोड़ा लैबोरेटरी फैसिलिटी भी है। अभी 2019 एंड 2020 में आपने जो हमको सैंक्शन किया था वेलनेस सेंटर्स को वो 80 सैंक्शन किया था एंड 2021 में आप लोग हमको 50 सैंक्शन हुआ था, सैंक्शन के लिए जो रिकमेंडेशन भेजा था कुल मिला के 130 सेंटर्स हम चालू करने के लिए हमारा प्रयत्न है। इससे पहले हमारे पास जो हॉस्पिटल बनाने के लिए जो केंद्र सरकार का जो मदद मिला है वो भी अंडर प्रोग्रेस में है। मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, कोविड के अंदर आयुर्वेदा में यूनानी में जो होम्योपैथी में जो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए जो दवा परमिशन जो दिया है वो इन टाइम पे नहीं हो रहा है। और एक बार इसके लिए आने वाले दिन में ये कोविड का पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए एंड प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए कौन सा दवा है वो सेंटर करने के लिए जरा दृष्टि रखना बोल के हमारा सजेशन है। और एक बात है, तेलंगाना स्टेट में सर पहाड़ोपल्ली में एक 50 बेड हॉस्पिटल हमने सपोर्ट किया था सर 2017-18 में सर एक्चुअली, सो उसका थोड़ा जरूर करेंगे सर, जरूर करेंगे। और सिमिलरली सिद्दीपेट में सर एक्चुअली 2017-18 में हमने वो तीनों जगह एक भोपालपल्ली में दिया था, एक सिद्दीपेट में दिया था, एक विकाराबाद में दिया था। वो अच्छा जगह है, वो जरूर वो फुल्फिल करेंगे। ये हम हमारा राज का नहीं दूसरा राज को सप्लाई करने के लिए जो सेंटर करने का है उसको थोड़ा सपोर्ट करेंगे। मैं एक प्रपोजल भिजवा देता हूँ। यस सर, सर हमारा स्कीम में एक प्रोविजन है सर इसको आगे ले जाने के लिए हमारा मदद है। हम मानते हैं कि गरीब लोगों को अच्छी तरह जो क्योर करने के लिए और सस्ता में मिल जाएगा जो गरीब लोगों को बहुत फायदा होता बोल के हमारा मन में है।